नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर EPS 95 पेंशनरों को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जो दोस्तों आज हो चुकी है वो फाइनल तारीख, जिस तारीख का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, वो तारीख 19 सितंबर आज आ चुकी है, जिसका हमें बहुत बहुत इंतज़ार था। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, आज से क्या फाइनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, या फिर कब फाइनल तारीख क्या है और आज के दिन क्या होने वाला है, जो कि पेंशनरों के लिए, EPS 95 पेंशनरों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज के दिन क्या होने वाला है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हुए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का, क्योंकि यूट्यूब पर एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ में विश्वास दिया जाता है, और विश्वास के साथ में फेस टू फेस वीडियो, एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको फेस टू फेस वीडियो दिया जाता है। अगर दोस्तों कोई दूसरा चैनल है तो आप मुझे ज़रूर बता दें कि कहीं पर भी आपको फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। अगर जो बंदा फेस टू फेस अगर कोई दे भी रहा है तो वो एकदम राइट है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है कि कोई गलत नहीं दे सकता है, क्योंकि जो फेस टू फेस बताता है वो कोई गलत चीज़ नहीं बताता है। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि मेरे से तकरीबन हर दूसरे दिन एक बंदा तो मिलने आ ही जाता है, तो मैं मिलता हूँ, अच्छे तरीके से बातें करते हैं। हमारा दूसरा चैनल है पौंडेर, वहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कई लोगों के मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों आपके मुख्य टॉपिक की, क्योंकि लोग मिलना आते हैं। तो मैं सच में एक स्थान पर हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं पर बाहर हूँ और मेरा कोई अता पता भी नहीं है, मेरा कोई एड्रेस पता भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं। सभी के साथ में मैं प्यार से जुड़ा हुआ हूँ। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है तो यार कुछ ना कुछ तो वीडियो में आपको मिलता ही है, तभी तो इतने लोगों ने भरोसा किया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। अगर जिन्होंने नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करने में आपके एक भी पैसा नहीं लगता है। मैं आपको शॉर्ट जानकारी देना शुरू कर दूँगा, अगर 1 लाख प्लस 50,000 सब्सक्राइबर होते ही उस दिन से शॉर्ट वीडियो आएगा, एकदम शॉर्ट, बिल्कुल भी मतलब बड़ा वीडियो, 2 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं आएगा। जब 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उस दिन से सिर्फ 2 मिनट का वीडियो आएगा। 2 मिनट में फर्स्ट, एकदम फर्स्ट 2 व्यक्ति रहेंगे, दोनों व्यक्ति खतरनाक तरीके से हम आपको अपडेट्स बताएंगे फटाफट 2 मिनट के अंदर, पूरी अपडेट्स क्या है क्या नहीं पूरी आपको बता देंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा, अभी जो सब्सक्राइबर है वो 1,10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है। तो आप, मुझे आशा है कि आप जल्दी से जल्दी ये करोगे, और आपके फ़ायदे के लिए ये है कि मैं बड़ा वीडियो नहीं शूट करूँगा, छोटा सा वीडियो शूट करूँगा और फट आपको अपडेट्स दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं आज के दिन और EPS 95 पेंशनरों का जो मुख्य टॉपिक है, उस टॉपिक पर आते हैं। बात करते हैं EPS 95 पेंशनरों के लिए कि आज के दिन 19 सितंबर का, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर, 19 सितंबर से हमें पेंशन मिलने वाली है क्या, 19 सितंबर से हमें पेंशन मिलेगी क्या। तो इसमें पेंशन मिलने का मैंने तो कहीं पर नहीं कहा था, लेकिन काफ़ी लोगों को दूसरे चैनल पर ये जानकारी मिल गई थी कि सर, आपको, आप भी नहीं बता रहे हैं कि कितनी तारीख से पेंशन मिलने वाली है, और 19 तारीख को लोग बता रहे हैं पेंशन। तो उसमें पेंशन के बारे में नहीं बताया गया है, उसमें ऐसा है कि 19 तारीख को कमांडर अशोकी रावत, आज अगर हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो जाती है तो ठीक है, कुछ एक्शन लिया जाता है तो ठीक है, वरना आज कमांडर अशोकी रावत और NSC की पूरी टीम, बाकी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्होंने भी ये ठान लिया है कि आज के दिन अगर पेंशन बढ़ोतरी और केंद्रीय कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं और एरियर सहित अगर नहीं दिया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता है और मीटिंग से भी कोई मतलब नहीं सरा है, तो आज के दिन ये शेड्यूल बनाया जाएगा। कमांडर अशोक रावत ने खुद ने कहा था कि 19 सितंबर को हम इसे शेड्यूल बनाएंगे, इस शेड्यूल के माध्यम से ही अब आगे का हम प्रक्रिया करेंगे, जो कि जो भी आगे की रणनीति है वो हम बना ली है और आज के दिन वो जारी करने वाले हैं।
तो दोस्तों आशा करूँ करते हैं कि आशा है कि मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा शाम को। जी दोस्तों, कोई भी अपडेट्स आएगी कि आज के दिन क्या निर्णय लिया गया क्या नहीं, इसमें मुख्य तौर से ये निर्णय लिया जाएगा कि आज अगर पेंशन बढ़ोतरी हो जाए तो ठीक है, वरना आज के दिन ये रणनीति बना ली जाएगी कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, ठीक है। तो उसके बाद में ही सब कुछ होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शाम को वीडियो आने वाला वीडियो उसको ज़रूर वॉच करें, देखें, सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि शाम को आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों आज जो पेंशन मिलने वाली है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मंत्रियों ने सीबीटी मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट उनका वेट कर लिया है, लेकिन कहीं से भी मतलब संतुष्टपूर्ण जवाब कहीं पर भी नहीं मिला है। ये आप सभी को पता है कि संतुष्टपूर्ण जवाब हमें कभी भी नहीं मिला है। कभी कहते हैं कि 5,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी कर देंगे, तो कभी कह रहे हैं कि 3,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी कर देंगे, कभी कह रहे हैं 6,000 कर देंगे। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अब जो निर्णय लिया जाएगा वो ठोस निर्णय होगा, कठोर निर्णय होगा, क्योंकि ऐसे शांति के आंदोलन तो शांतिपूर्ण आंदोलन तो शायद मेरे हिसाब से 1100-1200 दिन तो बुलाने वाले आंदोलन को भी हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी उस पर नज़र नहीं टिकाई है, किसी ने ये देखा तक नहीं है कि वहाँ पर आंदोलन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फिर ये जो आज का जो निर्णय लिया जाएगा वो थोड़ा कठोर लिया जाएगा, क्योंकि आज जो काम होने वाला है वो सच में कुछ पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में होगा ये, क्योंकि बाकी आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन ये पेंशन में बढ़ोतरी किसी भी प्रकार से नहीं करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि इसमें जो कमांडर अशोक जी रावत जो निर्णय लेते हैं उनको हम सुनते हैं पहले, फिर अपनी अपनी राय देंगे। शाम को मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप बताना ज़रूर, अपनी अपनी राय अलग से देंगे और उसके बाद में ही ये सब कुछ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के वो अहम ठोस कदम उठाएंगे। आप भी अगर हमारे साथ में हैं और आप भी कमांडर अशोक जी रावत के साथ में हैं, अगर आप पेंशन बढ़ोतरी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो DA पूरा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 3,000, जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2,100 का लाइक कैम रखते हैं हम, लेकिन इस वीडियो को अगर 3,000 लाइक करते हैं आप 5 घंटे के अंदर, तो दोस्तों शाम वाला वीडियो 6 बजे आने वाला है, 6 बजे से पहले पहले अगर आपने 3,000 लाइक कर दिए तो मैं ऐसा समझूंगा कि लमसम लोग हमारे साथ में ही है। ऐसे ऐसे हमें पता चल जाएगा कि इतने लोग तो अगर हम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के धरना प्रदर्शन करें तो भी इतना मतलब इतने लोग हमारे साथ में हैं। तो मैं आपके लिए तन मन धन से एकदम साथ में रहूँगा। आप इस लाइक गेम को पूरा करें, 3,000 लोग इसे लाइक करेंगे तो मैं आगे तक आपको पहुँचाऊँगा, कमांडर अशोक जी रावत को हमारे चैनल पर लाएंगे और मिलवाएंगे आपसे भी। बस दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।